Sorry, it's DJ. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है। आज हम करने जा रहे हैं सोनी एमएससी V41D वर्सेस जेब्रोनिक जेब 9500 टावर स्पीकर के बीच में बैटल ग्राउंड। दोस्तों, आज देखते हैं जेब्रोनिक 9500 सोनी एमएससी V41D को कितनी टक्कर दे पाता है, क्योंकि आपको पता है यार, जेब्रोनिक्स वाले टावर स्पीकर में भी हमें 10-10 इंच के बेस ड्राइवर मिल जाते हैं। सो देखते हैं, बहुत काटे की टक्कर होने वाली है। वैसे प्राइस पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बट फिर भी आपको पता लग पाएगा कि यार जेब्रोनिक्स 9500 में कितनी पावर हमें मिल पाती है। जैसा कि आपको इससे पहले पता है, हमने T60X को V41D के साथ कंपेयर करके देखा था, एंड T60X ने काफ़ी अच्छा मतलब कॉम्पिटिशन दिया था। वैसे यार, आपको पता है ये तो सोनी का पार्टी स्पीकर है एंड बहुत ही पावरफुल साउंड आउटपुट मिलता है इस पे, बट आपको पता लग जाएगा यार कि ये टावर स्पीकर में भी कितनी पावर है, मतलब ये पार्टी स्पीकर को टक्कर दे पाता है या नहीं दे पाता है। सो वीडियो में आपको पता लग जाएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, तभी आपको दोनों मॉडल्स की मतलब साउंड क्वालिटी के बारे में पता लग पाएगा। एंड अगर आपको दोनों मॉडल्स में से कोई से भी मॉडल को परचेस करना होगा, तो डेफिनेटली आप पीसी मीडिया से परचेस कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में पीसी मीडिया का कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा। एंड आपको दोस्तों, अगर इन दोनों मॉडल्स के डिटेल पे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानना होगा, तो मैंने दोनों मॉडल्स की वीडियोस दे रखी है। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों मॉडल्स की वीडियोस के लिंक दे दूंगा, सो आप वहां पे से देख लीजिएगा। क्योंकि आपको पता है यार, हम साउंड टेस्ट वीडियो हो या बैटल काउंट वीडियो हो, डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। एंड दोस्तों, अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो यार प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड दोस्तों, अगर आपको इन दोनों मॉडल्स के साउंड को और डिटेल में जानना है, तो जरूर से यार हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी दे दूंगा। सो वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपने बैटल ग्राउंड को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन राउंड वन। Take
फ्रेंड्स आपको अभी तक बैटल ग्राउंड पसंद आ रहा होगा। अब दोस्तों हम आपको फाइनल ट्रैक और प्ले करके सुनाते हैं। इस ट्रैक पे दोस्तों आप बेस क्वालिटी, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी, लाउडनेस क्वालिटी एंड वोकल्स क्वालिटी को डिटेल पे सुनिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको बैटल ग्राउंड बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा यार कि जेब्रोनिक्स के टावर स्पीकर में भी हमें कितनी पावरफुल साउंड क्वालिटी मिल जाती है। वैसे तो दोस्तों ये फेयर कंपटीशन नहीं था, बट फिर भी आपको पता लग गया होगा यार कि जेब्रोनिक्स जेब 9500 में भी हमें कितना पावरफुल साउंड आउटपुट मिल जाता है। जबकि यार प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों मॉडल्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। एंड जिस प्राइस में जेब्रोनिक्स वाला आता है तो उस हिसाब से दोस्तों आपको पता लग गया कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कितनी पावरफुल है। वैसे अभी मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पर भी इसका बेस टेस्ट डाला था एंड आपने देखा होगा जो इसका बेस इफेक्ट है वो कितना पावरफुल है, मतलब वहां पे हर एक चीज को शेक कर दे रहा था। सो अगर आपने देखना होगा तो जाके जरूर से देखिएगा, इंस्टाग्राम पर मैंने डाल रखा है, आपको मजा आ जाएगा। अब दोस्तों यार कंपैरिजन की बात करूँ तो मैं मतलब आपको भी पता है मतलब क्लियर विनर तो हमारा सोनी एमएससी V41D है, बट दोस्तों जेब्रोनिक्स जेब 9500 ने भी काफ़ी अच्छा खासा कंपटीशन दिया। सो इससे आप ये समझ सकते हैं कि यार दोस्तों जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो कितनी पावरफुल है। एंड इस पर भी हमें जेब्रोनिक्स में भी 10-10 inch के बेस ड्राइवर मिल जाते हैं। तो दोस्तों यार बेस क्वालिटी एंड लाउडनेस काफ़ी अच्छी है इस टावर स्पीकर की। आप मतलब अगर आपका बजट जैसे 30,000 तक का नहीं है तो आप इस मॉडल को ज़रूर से परचेस कर सकते हैं, आपको 110% है काफ़ी तगड़ा साउंड आउटपुट मिलेगा इस टावर स्पीकर में। तो दोस्तों यही था, मतलब मेरे को लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए एंड आप लोगों को थोड़ा समझ में भी आएगा कि यार इस मॉडल में भी कितनी पावरफुल साउंड क्वालिटी है। अब सोनी की तो मैं बात ही क्या करूँ यार दोस्तों, वो क्लियर विनर है तो उसमें मतलब कंपैरिजन वाइज तो मैं कुछ अभी अपना कमिटमेंट दूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सोनी एमएससी V41D क्लियर विनर है। सो यार यही था मेरा लाइव एक्सपीरियंस जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो जरूर से आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो यार आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको हमारा हार्डवर्क पसंद आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।